Hello everyone, I'm Saket Bhajpay, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, a uniform disk of radius capital R having charge capital Q distributed uniformly all over its surface is placed on a smooth horizontal surface. A magnetic field B equal to K X T square, where K is a constant, x is the distance in meter from the center of the disk and t is the time in second is switched on perpendicular to the plane of the disk the torque in newton meter acting on the disk after 15 second is dash oh! तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे को समझ में आ रहा है कि एक डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर है और उसके पास ओवरऑल चार्ज कितना है तो ओवरऑल चार्ज इसके पास कैपिटल क्यू है तो ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ऑल ओवर इट्स अब देखिए बच्चों, ये जो डिस्क है वो रखी हुई है ठीक मतलब है, है, है और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी दे रखी है वो दे रखी है के एक्स टी स्क्र जहां पर के तो कांस्टेंट है लेकिन एक्स क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड टी है टाइम ठीक है अब जो मैग्नेटिक फील्ड बी आया है उसको स्विच ऑन किया गया है पर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क मतलब हम लोग लेटर से ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान सकते हैं कि इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड है ठीक है अब हमसे पूछा गया है कि 15 सेकेंड के बाद टॉर्क कितना एक्ट करेगा ऑन द डिस्क ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसका स्ट्रेंथ जो है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और एक और चीज है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग रेडियल डिस्टेंस पे क्या है बच्चों अलग अलग है क्योंकि यहां पर लिखा है कि b इज इक्वल टू के एक्स टी स्क्वेयर और यहाँ पे x क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क ठीक है तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी x दूरी पर गए है ना किसी x दूरी पर गए कुछ इस तरीके से तो यहां पर किसी टी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तो वो होगी के एक्स टी का स्क्वेयर ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोगों ने जो एज्यूम करा है कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि यहां पर सिर्फ कहा था कि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क तो इस एज्शन के ऊपर हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट्यूड है है ना जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट्यूड है वो अंदर की तरफ है है ना अगर हम लोग यहां पर टॉप व्यू देख रहे हैं है ना इधर हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों टॉप व्यू देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन टू द स्क्रीन है ठीक है और वो समय के साथ क्या होती जा रही है बच्चों ज्यादा होती जा रही है ठीक है तो अब देखिए बच्चों सिमेट्री से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर चूंकि एक सिलेंड्रिकल रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंड्यूस होगी वो कैसी होगी वो सर्क्यूलर होगी क्लियर ही बात तो देखिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर की तरफ बढ़ती जा रही है तो उसे कम करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंड्यूस होगी वो कैसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाली ताकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्क्रीन के बाहर आए ठीक है तो अब देखिए बच्चों अगर हम लोग यहां पर यह निकालना चाहें है ना कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसका मैग्नेट्यूड कितना होगा तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी चाहिए तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा है ना क्या निकालना पड़ेगा कि किसी टी टाइम पे आखिर इस पर्टिकुलर रीजन में फ्लक्स कितना था है ना तो वो फ्लक्स पहले हम लोग निकालेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तब जाकर के उसे क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे ठीक है तो देखिए बच्चों अगर हमें फ्लक्स निकालना है है ना तो उसके लिए क्या करना होगा हमें पहले किसी आर दूरी पर जाना होगा और वहां पर इस तरीके से क्या बनाना पड़ेगा एक रिंग बनाना पड़ेगा जिसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी जिसकी थिकनेस हो डी आर ठीक है अब ये जो रिंग है, है ना, ये जो रिंग है हमारे पास तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स डी कितना हो जाएगा तो डी बराबर हो जाएगा बच्चों आप देखिए कि मैं सिर्फ रिंग के इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, है ना डी आर थिकनेस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि इस लोकेशन पे मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी तो वो हो जाएगी के एक्स की वैल्यू यहां पर आर है तो के आर टी स्क्वायर। और इस पर्टिकुलर रिंग का जो मटेरियल है, है ना उसका एरिया कितना हो जाएगा तो ये जो एरिया डी ए है वो हो जाएगा बच्चों टू पाई आर डी आर डी तो फाइव हम लोग कितना लिख सकते हैं तो वो लिख सकते हैं बी डी ए बी डी ए टू कितना हो जाएगा के आर टी हमारा क्या आ गया डी फाइव आ गया तो बच्चों ये काम हमें क्यों करना पड़ा क्योंकि अलग अलग रेडियल डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग अलग आ रही थी अब अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो हमें डी फाइव को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं के टी स्क्वेयर

फ्लक्स देखना चाहता हूं कितना एक्स रेडियल डिस्टेंस तक कितना है ठीक है तो मैं किसी टी टाइम पर देख रहा हूं तो मेरे लिए टाइम यहां पर क्या है एक है तो इसीलिए फिलहाल मैं के टी स्क्वायर पाई पूरे को बाहर निकाल लेता हूं इंटीग्रेशन के आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाय थ्री और लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री ठीक है अब देखिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी क्लियर है तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं दोनों तरफ की तो यहां पर क्या आ जाएगा e इंटू कितना पाई है ना e इंटू टू पाई एक्स यहां पर मैंने स्ट्रेट अवे ई डॉट डीएल को ई इंटू टू पाई एक्स क्यों लिख दिया क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंड्यूस हो रही है है ना किसी एक्स रेडियल डिस्टेंस पर वो कैसी आएगी वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर ही आएगी मतलब किसी भी लोकेशन पर अगर मैं जाऊं है ना तो ई e वेक्टर जो है वो टेंजेंशियल है है ना और मैग्नीट्यूड वाइज भी सिमेट्री से वो क्या आ रहा है हर लोकेशन पर एट अ रेडियल डिस्टेंस एक्स सेम आ रहा है ठीक है तो यहां पर सिंपली कितना हो जाएगा ई इंटू टू पाई एक्स इज इक्वल टू अब चलिए इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहां पर टू पाई के एक्स क्यूब अपॉन थ्री ये तो कॉन्स्टेंट है टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी हो जाएगा ठीक है तो यहां से देखिए बच्चों टू पाई से टू पाई कट गया एक्स से ये x बन गया, तो ई e बराबर कितना आ गया तो वो देखिए आ जाएगा टू के टी एक्स स्क्वेर अपॉन थ्री के बराबर अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि अगर मैं यहां पर एक रिंग इमेजिन करूं है ना इस तरीके से यहां पर एक्स डिस्टेंस पर

कि टॉर्क कितना आ जाएगा तो टॉर्क आ जाएगा जो भी इसके पास चार्ज डी क्यू है इस छोटे से एलिमेंट के पास तो डी क्यू इंटू ये तो लगने वाला फोर्स हो गया इस पे इंटू एक्स क्लियर बात और इसे इंटीग्रेट अगर करेंगे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस रिंग पे लगने वाला टॉर्क आ जाएगा क्लियर है तो यहां पर e और x तो कांस्टेंट है तो ई इंटू एक्स बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ dq ये हमें क्या दे देगा टॉर्क ऑन द रिंग दे देगा ठीक है तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू का मतलब क्या हो गया टोटल चार्ज ऑन द रिंग ठीक है तो यहां से देखिए बच्चों टॉर्क ऑन द रिंग कितना आ आ जाएगा जाएगा तो वो आ जाएगा e into X into. अब यहां पर चार्ज ऑन द रिंग अगर चाहिए तो हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं सिग्मा है ना सिग्मा क्या हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है टोटल एरिया पाई पाईआर स्क्वेर है जिसपे कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पर मैं बोल दूंगा सिग्मा इंटू आखिर इस रिंग का जो है ना रिंग का जो मटीरियल है एक तरीके से उसके उसका चार्ज कितना हो जाएगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए एरिया चाहिए तो एरिया हो जाएगा टू पाई एक्स इंटू डी एक्स क्लियर की बात तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो सिर्फ टॉर्क ऑन दिस एलिमेंटल रिंग आया है अगर हमें टोटल टॉर्क चाहिए है ना अगर टोटल टॉर्क ऑन द डिस्क चाहिए तो वो कैसे निकलेगा तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स सिग्मा टू पाई एक्स डी एक्स करना पड़ेगा और x की लिमिट यहां पर रखेंगे जीरो से लेकर के कैपिटल R तक तभी तो पूरा का पूरा डिस्क कवर होगा तो यहां पर देखिए बच्चों हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहां पर e की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी पहले ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर मैं e की वैल्यू रख देता हूं टू के टी एक्स स्क्वे बाई थ्री इन एक्स इंटू सिग्मा इंटू टू पाई एक्स डी एक्स क्लियर ये बात और यहां पर हमें इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर के आर तक तो यहां पर देखिए बच्चों हम लोग क्या क्या कांस्टेंट है और किसको बाहर निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा टू के टी अपॉन थ्री इंटू सिग्मा की वैल्यू लिख देते हैं क्यू अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वेर फिर आ जाएगा टू पाई और सारे के सारे एक्स जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएंगे मतलब ये हो गया x की पावर फोर डी एक्स जीरो से लेकर के r तक क्लियर ही बात तो अब चलिए इसे इंटीग्रेट करके देखते हैं कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा फोर इधर आ गया फोर के टी क्यू पाई अपॉन थ्री पाई आर स्क्वेर एक्स की पावर फोर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव मतलब ये हो जाएगा आर की पावर फाइव अपॉन फाइव ठीक है तो यहां से बच्चों टॉर्क ऑन द डिस्क फाइनली कितना आ जाएगा तो वो आ जाएगा फोर के क्यू पाई से कट जाएगा पाई आर स्क्वायर से यहां पर आर क्यूब आ जाएगा तो फोर के क्यू टी अपन थ्री इंटू फाइव और इधर आ जाएगा आर की पावर थ्री क्लियर ही बात तो फोर के क्यू को सवाल में वन लेने को कहा गया है टी की वैल्यू फिफ्टीन लेने को कही गई है तो फिफ्टीन से ये फिफ्टीन कट गया और आर की वैल्यू वन लेने को कही गई है तो बेसिकली ये कितना आ गया वन न्यूटन मीटर और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर ठीक है तो बच्चों इसी के साथ हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय